आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी मार के ऊपर। मार बुद्ध साहित्य का और बुद्ध का और पुराने प्राचीन पाली भाषा का और खास तौर से जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, जो सारा ज्ञान मार को खत्म करने का और मार को मारने का। इसलिए मार जो शब्द है वो बहुत प्राचीन है और मार के इतने सारे मुहावरे हैं वो सारे बुद्ध के समय के प्राचीन हैं और पाली भाषा के हैं और भारत के ओरिजिनल हैं, वो बदलने नहीं सकते। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा साहित्य बुद्ध का रहा और कितना बड़ा पाली का क्षेत्र रहा और कितना बड़ा ज्ञान रहा कि वो आज की सारी जितने मुहावरे जितनी भाषाएँ उसके अंदर आता है। क्योंकि पाली जो आज की भाषा है वो कन्वर्ट हो गया, आज की डेट में उसको हिंदी के नाम से बोला जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि वो पाली ही है जो थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि समय के साथ में नेचुरल भाषाएं चेंज होती चली जाती हैं, अपने में और भाषाओं को समाहित करती चली जाती हैं। वक्त की ऐसी मार पड़ी, अब वक्त कैसे मारेगा, यानी वक्त की ऐसी मार पड़ी, इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ में आपको बहुत सारे नुकसान हुए, शरीर के रूप से, मानसिक रूप से या वचन के रूप से, जो भी जीवन में हुए, आपके परिवार को हुए, उनको वक्त की मार बोलते हैं। कहते उसने मुझे मारा, तो मारने का यहाँ बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे मार शारीरिक रूप से भी है या वचनों से मार होता है, जैसे कहते हैं कि वो तो बात मार के चली गई या वो बात मार के चला गया। अब बात को कैसे मारा जाता है, यानी कि किसी ने बात मारी तो उससे आपको दुख हुआ, उससे आपको परेशानी हुई, उससे आपको कष्ट हुआ, इसलिए उसको बात मारना बोलते हैं। उस पर ऐसी मार पड़ी या उसको ऐसा मारा या मुझे मारा या मुझे मारेंगे या वो मुझे मारते हैं, या मार ऐसी पड़ी कि दिखाई नहीं दी, यानी कि मार ऐसी पड़ी जो दिखाई नहीं दी। इसका मतलब यह है कि शारीरिक मार नहीं है जो दिखाई नहीं दी, कोई मानसिक मार है या कोई अलग तरह की मार है जो आपको दिखाई नहीं दी। मार जो शब्द है इससे जो लास्ट इसका आता है वो आता है मच्छू, यानी कि मृत्यु। मार जब अपने अधिकतम क्षेत्र में आती है, जो उसकी तीव्रता है या उसका जो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट स्टॉप है उसका, वो है मृत्यु। जब मार बहुत बढ़ जाती है तो वो मृत्यु तक पहुंच जाती है और उसका अंत कर देती है, उस चीज़ का, उस बात का, जो भी चीज़ के लिए मार आती है। और जो अमर हो जाता है, इसका मतलब है कि मार से वो परे हो जाता है, मार के क्षेत्र से परे हो जाता है, इसका मतलब कोई भी दुख या कोई भी निगेटिव चीज़ उस पर असर नहीं करेगी, वो अमर हो गया। अमर व्यक्ति का जीवन भी खत्म होता है, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे अमर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा या उसका शरीर खत्म नहीं होगा। अमर का मतलब ये है कि अब वो मार के क्षेत्र से बाहर है, अब जितनी भी बुराई हैं वो बुराई उस पर असर नहीं करेंगी, अब वो दुख में नहीं पड़ेगा, अब वो दुख में नहीं आएगा, अब वो दुख से परे है। जितने भी पुराने भिक्खु या पुराने जो लोग थे, जो साधक थे, और या बुद्ध की बात कहें या अर्हत की बात कहें या भिक्खुनी की बात कहें, तो वो सब मार से परे होते थे और उन सबको अमर बोलते थे। जो अमर तत्व है, जिसको अमृत बोलते हैं संस्कृत भाषा में, या अमर तत्व है, अमर तत्व का मतलब है कि आप अपने अंदर वो गुण पैदा कर लीजिए जिससे कि आपको कभी दुख ना हो या कोई ऐसी चीज़ आपको दुखी ना कर सके। अगर ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज या ऐसा प्रैक्टिस आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जैसा बुद्ध ने किया, भिक्खु ने किया, अर्हत ने किया, जो लोग करते हैं, तो फिर कोई भी बुराई आपको मार नहीं सकती, तो आप अमर हो जाएंगे और ये अमर तत्व आपको प्राप्त होगा। और जब अमर तत्व आपको प्राप्त होगा तो आप अमृत, यानी आज की भाषा में कहें कि अमृत हो गए, तो आप अमृत प्राप्त कर लेंगे, यानी कि जो अमृत है या अमर तत्व है वो आप जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। बाद के दिनों में इसको ऐसा कह दिया कि जो अमर है वो कभी मरेगा नहीं, जो अमृत है उसे पीने के बाद कभी मरेगा नहीं। ये बात ठीक है कि मरेगा नहीं का मतलब आता है कि वो बुराई उसके ऊपर नहीं आएगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने शरीर को हमेशा जीवित रखेगा। शरीर तो प्राकृतिक नियम जैसा शरीर में बना हुआ है, उसमें बूढ़े होने का फोल्डर होता है, उसमें मृत्यु का फोल्डर होता है, वो तो खत्म होना ही होता है। ये तो प्रकृति का नैसर्गिक सिद्धांत है कि एक वर्जन को ख़त्म होना होता है ताकि उसका नेक्स्ट अगला वर्जन, डेवलप वर्जन आ सके। आप थोड़ा बहुत उसको, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। बुराइयां अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अगर अच्छे काम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छी हवा में सांस लेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपके मन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तो आपकी आयु, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ये छोटा मोटा बढ़ाने का घटाने का तो हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवन भर जिंदे रहें और मरे ना, ये इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि मैटर का जुड़ना और मैटर का
चिपकना, शरीर का बनना और बिगड़ना, ये प्राकृतिक रूप से बहुत करोड़ों सालों में जाके इसका सिस्टम डेवलप हुआ है जो उसके अंदर चलता है। आप होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मगर इसको अंत में जाना ही होता है। अगर कोई व्यक्ति, बुद्ध जैसा व्यक्ति, अगर अपनी मृत्यु को रोक भी लेता है तो अपने शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। इसलिए बुद्ध भी बूढ़े होते चले गए और लास्ट में उन्होंने अपनी मृत्यु की फाइल खोल ली और वो 3 महीने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी शरीर को ख़त्म कर लिया। तो यहाँ जो मार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे शर्म के मारे मर गया। अब शर्म के मारे मरना क्या होता है? कोई शर्म के मारे मर गई, इसे तो क्या बोलते हैं, शर्म मार गई, या किसी को इज्जत की मार मार देते हैं कि ये तो बेइज्जती की मार है या इज्जत की मार है, किसी को कहते हैं कि इसको जरा भी है या नहीं है, है का मतलब शर्म ही होता है। तो ये मार के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे बातों की मार मैंने आपको बताया, क्रोध की मार होती है, जैसे क्रोध ने उसको मार दिया, या उसको लालच ने मार दिया, या उसको तन्हाई ने मार दिया, या उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया उसने मार दिया, या वो बहुत ज़्यादा काम के मारे मर गया, या उसके पास बिल्कुल काम नहीं है मर गया। यानी कि ये जो मार है, मार बेसिकली विस्तृत रूप है बहुत सारी बुराइयों का। एक बुराई को भी मार कह सकते हैं और बहुत सारी बुराइयों के समूह को भी मार कहा जा सकता है। इसलिए मार प्राचीन शब्द है जो पाली भाषा का शब्द है और आज भी इसको सब जगह इस्तेमाल होता है, धड़ल्ले से। हालांकि आज की डेट में ऐसा बोलते हैं, मार का मतलब है किसी ने डंडे से मारा या गोली से मारा या चाकू से मारा, उसको मार बोलते हैं, मगर मार सारी बुराइयों के लिए आता है। जो अठ गाता है पहली वाली, जिसके अंदर मार से लड़ाई होती है बुद्ध की, बैसाख पूर्णिमा की रात को, बेसिकली बैसाख पूर्णिमा की रात को जब बुद्ध ये संकल्प करते हैं कि अब मैं इस पीपल के पेड़ से तब उठूंगा जब मैं अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म कर लूँगा और ये पता कर लूँगा कि दुख कैसे आता है और कैसे काम करता है। यानी कि वो अपने दुख को, दुख जो उनके शरीर में है उसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्यों हम दुखी होते हैं, क्या कारण है, ये निकलता कैसे, आता कैसे, जाता कैसे। इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं, विपस्ना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने शरीर में एक ही चीज़ को देख रहे हैं। जब वो देखते हैं तो ये पाते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ शरीर में आ गई हैं, लालच है, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, आलस है, ये इतने तरह की बुराइयाँ हैं, ये सारी बुराइयाँ, काम वासना है, सारी बुराइयों ने दुख पैदा किया हुआ है। इन बुराइयों को निकालने के लिए वो दृढ़ संकल्प हैं और वो इन बुराइयों को निकाल रहे हैं विपस्ना के थ्रू, यानी विपस्ना से, साधना से, तप से। अब इसको कैसे निकालते हैं, ये अगर आप विपस्ना में जाएंगे तो सीख जाएंगे कि ये कैसे निकलती हैं। निकल जाती हैं, क्योंकि मैंने भी विपस्ना बहुत बार की है और मैं करता भी हूँ, तो मैं आते हुए भी देखता हूँ और जाते हुए भी देखता हूँ कि बुराई कैसे आती है, कैसे जाती हैं। अच्छाई शरीर के अंदर होती हैं, अच्छाई बाहर से नहीं आती। यानी कि अगर आप बुराइयाँ निकाल देंगे सारी, तो अच्छाइयाँ पहले से ही शरीर के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बिना बुराई के साथ पैदा होता है तो वो हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है। बड़ा होता है तो बुराइयाँ आती रहती हैं, उसकी हंसी बंद हो जाती है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी हंसी रोने में बदल जाती है। तो अच्छाइयों के साथ मनुष्य पैदा होता है, जानवर भी अच्छाइयों के साथ पैदा होते हैं, बुराइयाँ उनको ढक लेती हैं। आप बुराइयों को निकाल देंगे और बुराई नहीं आने देंगे, अच्छाइयाँ पूरे शरीर में कब्जा कर लेंगी, पूरे शरीर में अच्छाई अच्छाई हो जाएंगी। तो बुद्ध अपने शरीर में जब बुराइयाँ निकालते हैं तो सारी बुराइयाँ मिलकर ये कहती हैं, वो मार के नाम से जानी जाती हैं, कि हमको मत निकालो, यानी बुराई अपने निकालने का प्रतिरोध करती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और उसको कहा है कि तुम क्रोध मत करो, मगर जब उसको क्रोध आता है तो ये भूल जाता है कि क्रोध कैसे ना करें, मगर उसको अगर याद दिला जाए तो वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता है और अपने क्रोध पर काबू और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब उसको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि क्रोध को या कोई ईगो है या कोई आलस है या कोई लालच है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा लालच है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और उसको कहा कि अपने लालच को कंट्रोल रखो, तो उसे बड़ी परेशानी महसूस होती है शरीर के अंदर। उसके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो बीमार हो जाता है, उसके कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, चेहरे लाल होना शुरू हो जाता है, आँखें उसकी लाल होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जो बुराई है वो कहती है कि हमको करो, हमें बढ़ाओ। क्योंकि बुराई अगर शरीर पर कब्जा नहीं करेगी तो वो शरीर को मार नहीं पाएगी, यानी मृत्यु तक नहीं पहुंचा पाएगी, और मृत्यु तक पहुंचाने का उसका काम है, वो शरीर को मृत्यु तक पहुंचाना चाहती है जल्दी से जल्दी। इसलिए बुराई जो है वो मृत्यु की एजेंट है, यानी बुराई मृत्यु को लेके आती है। अगर बुराई नहीं आएगी तो मृत्यु के आने में देर होगी,
इसलिए वो कोशिश करती है कि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करे और जल्दी जल्दी मृत्यु तक मनुष्य को पहुंचा दे या जानवर को पहुंचा दे। इसलिए ये सारी बुराई को मार कहा गया है, इसको मार के नाम से जाना जाता है। तो मार बहुत तरह की होती है, हजारों तरह की मार होती है, जो भी बुराई है उसको मार कहा गया है। इसलिए पुराने मुहावरों में मार शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ जो बुद्ध ने जब मार को परास्त कर दिया, क्योंकि मार जो होती है उसको एक नाम दिया गया, देवपुत्र मार, यानी कि देवपुत्र मार उसका एक नाम दिया गया, और उसको गिरी मेखलंग जो हाथी है उस पर चढ़ा हुआ दिखाया गया कथा कहानियों में, और उसके आसपास में बड़ी सेनाएं दिखाई गई जो मार बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिकली खंद मार होती है, खंद मार होती है जो पांच स्कंद होते हैं हमारे, उसकी पांच स्कंद का मतलब है जो नाक, कान, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारा मुंह यानी जीव है, जो हमारी स्किन है, ये पंच स्कंद मार होती हैं। इनसे हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो मृत्यु का कारण बाद में बनती हैं और जो हमारे तणहा का यानी क्रेविंग का मार्ग खोलती हैं। एक होती है कलेश मार, कलेश मार जो होती है वो इन्हीं से मिलकर बनती है, जो आसपास का वातावरण पूरा नेगेटिव हो जाता है उसको कहते हैं, चारों तरफ क्लेश फैला हुआ है, कलेश फैला हुआ है, ये तो घर में कलेश कर दिया इसने, ये तो क्लेश करता रहता है, ये तो क्लेश करती रहती है, उसके घर में तो कलेश हो रहा है, उसके घर में तो कलह हो रही है, यानी कलह क्लेश जो वातावरण होता है एक उसकी मार होती है। आदमी वहाँ अच्छा खासा भी जाएगा तो वहाँ जाके बीमार हो जाएगा। किसी ऐसी जगह आप जाओगे जहाँ कलेश ही कलेश हो, जैसे कोई अस्पताल है जहाँ सारे रो रहे हों, आप वहाँ चले जाओगे तो आप वहाँ हंस नहीं सकते, आपको उसका असर आ जाएगा, उसको कलेश मार बोलते हैं। एक होता है अभिसंखार मार, यानी जो संखारा होता है उसकी मार होती है जो बर्थ के समय आता है, बर्थ के समय जो संखार आते हैं शरीर के अंदर उनकी मार होती है जो निकल आती है। आप अच्छे बने फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको संखारा आपके अंदर है तो वो आपको बीमार कर देगा, बीमारी आ जाएगी या आप मारे जाओगे, जिसको आज की डेट में जेनेटिक डिसीज बोलते हैं, यानी कि ये पहले से ही बर्थ के साथ में आती है, इसको बोलते हैं अभिसंखार मार। संखारा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोड के रूप में ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर पहले से ही जन्म के समय आ जाती है। एक होती है मच्छू मार, मच्छू मार जो है इसको मृत्यु मार बोलते हैं, यानी कि ये सारी मारों का लास्ट स्टेशन है, सारी मारों को यहाँ तक पहुँचाना होता है, इसको मृत्यु मार बोलते हैं। हर मार का काम एक ही है कि आपको मौत के घाट उतारना है, आपको मारना है। जितनी बुराई हैं उन सब का एक ही काम है कि आपको कैसे ही ना कैसे बीमार करके आपको मारना है, ख़त्म करना है, ये उनका वर्क है, यही इसके लिए वो जानी जाती हैं। एक होती है देवपुत्र मार, देवपुत्र मार पूरी सेना जब एक साथ आती है ये उसका फील्ड होता है, उसको देवपुत्र मार के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम यहाँ रखे गए हैं और यही जानकारी करके मनाए गए हैं जो बुद्ध ने खोजी और बुद्ध ने देखे। देवपुत्र मार के यानी कि मार की सेना के 10 अंग होते हैं, 10 हिस्से होते हैं। सबसे पहला उसका होता है कामाते पठमा सेना, पठमा माने पहला और सेना माने काम, यानी काम वासना की सेना पहला होता है। काम वासना का मतलब है कि जो आपके शरीर के अंदर इनपुट आते हैं, जिनको सेंसेस बोलते हैं, सेंसेस 5 तरह के होते हैं और छठा आपका मन होता है। ये सेंसेस जो इनपुट ले लेते हैं जिससे राग और द्वेष पैदा होता है, जिससे आपको क्रेविंग आती है, जिससे आपको चाहिए 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 या आपको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जिससे आपको लालच आता है, ग्रीड आता है या घृणा आती है, वो पहला का पहला जो स्कंद है यानी पहला जो समूह है इन पाँचों चीज़ों का, जैसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए आपको या स्मेल अच्छी चाहिए या स्किन के टच अच्छे चाहिए या आँख को हमेशा अच्छे दृश्य चाहिए या जो आपका जीव है उसको अच्छे स्वाद चाहिए या मन को हमेशा अच्छा अच्छा चाहिए, ये पहला फील्ड है सेना का जिसमें आपको चाहिए। दूसरा है द्वितीय अर्ति बुच्चति, द्वितीय अर्ति बुच्चति यानी कि अर्ति, अर्ति क्या है, द्वितीय अर्ति है जो बताया जाता है, अर्ति का मतलब है एरति, यानी आप मार को दूर करना चाहते हैं, मार को हटाना चाहते हैं, बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं और बुरी आदतें आपको हटाने नहीं देती हैं, वो आपको अरति पैदा करती हैं, यानी कि उसमें रत ना रहो, ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि आप उससे दूर भागो। अरे साधना क्यों कर रहे हो, मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, विपसना क्यों कर रहे हो, क्यों शराब छोड़ रहे हो, क्यों सिगरेट छोड़ रहे हो, क्यों जुआ छोड़ रहे हो, क्यों चोरी छोड़ रहे हो, क्यों हत्या छोड़ रहे हो, अरे इससे फ़ायदा है, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे करके मन आपको समझाएगा और उसमें अरति में लेके आएगा ताकि आप विपसना साधना मेडिटेशन में या अच्छी बातों में रत ना रहें। तो ये मार का काम है कि मार आपको अच्छे काम नहीं करने देगा, चाहे आप कुछ भी करें, इसलिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि मार जब भी कोई बुरा काम हो तो मार आपको कहता है कि इसे कर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार हमें अच्छा काम करने के लिए रोक रहा है। ततिया खुप्पी पासा पते,
ततिया जो है वो खुप्पी पासा पते है। खुप्पी पासा का मतलब है, खुप्पी और पासा बोलते हैं प्यास को, और खुप्पी बोलते हैं छुद्रा को यानी कि भूख को। जो तीसरी है वो है भूख प्यास। जब शरीर के अंदर भूख और प्यास लगती है फिर अच्छे बुरे का सेंस काम नहीं करता, मार उस पर हावी हो जाता है, यानी बुराई उस पर हावी हो जाती है। एक भूखा प्यासा जानवर भी कोई भी गलत काम कर सकता है। मुझे एक कहानी या किस्सा याद है, एक व्यक्ति को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उसने 10-12 कुत्ते घर में पाले हुए थे और कुत्ते बड़े उसके वफादार थे, इतने वफादार थे कि उसकी तरफ अगर कोई भौंके तो वो उसको जान से मार दें या काट खाएं, उसके घर के आसपास कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक बार वो कहीं बाहर गया कुत्तों को बंद करके और वो वहाँ फंस गया और 4 दिन तक वो नहीं आ पाया। 4 दिन बाद जब वो आया उसे कुत्तों की बड़ी याद आई और उसने जैसे ही गेट खोला कुत्तों ने उसको फाड़ के खा लिया। यानी भूख और प्यास से उनको मालिक का, नौकर का या उनका करुणा का या सारे सेंस उसके कंट्रोल हो गए और कुत्तों ने उस मालिक को फाड़। ये मैंने कहानी पढ़ी है और ये रियल स्टोरी है, आप अगर नेट पर चाहें तो ढूंढ लें उसको। तो यानी कि जानवर भी जो भूख प्यास है उसमें मार के अधीन हो जाता है, मार उस पर कब्जा कर लेती है, मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। इसलिए मनुष्य को देखना चाहिए कि जब भूख और प्यास लगे तो उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान कैसे काम करता है और मार उसको कैसे अपने कंट्रोल में करता है। चतुर्थी तणहा पवुच्यति, चतुर्थी तणहा पवुच्यति। तणहा क्या होता है? तणहा होता है तृष्णा, क्रेविंग। यानी कि जब आपका किसी चीज को चाहिए चाहिएगा रिपीटेशन बढ़ जाए और नहीं चाहिएगा रिपीटेशन बढ़ जाए, यानी कि बार 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 वो चाहिए। जैसे कोई आपको, सपोज आपको कोई साइकिल पसंद आई और वो आपके मन में लगातार घूम रही है साइकिल चाहिए, उसके हैंडल ऐसे थे, उसकी रंग ऐसा था, उसके पहिए ऐसे थे, वो चीज़ ऐसी थी वैसी थी, और बार बार उसका पोस्टर देखें, आप बार बार उस दुकान पर जाएं, बार बार बातचीत करें, किसी को आते जाते देखें, फिर चाहिए उसको जुगाड़ में लगें, तो वो तणहा जो तृष्णा है वो बढ़ जाती है और वो फिर मन को परेशान करती है। ये मार का लक्षण है। और ये चौथा लक्षण मार का है, मार इससे आपको कंट्रोल करती है और वो इसको बढ़ाती है। इसको बढ़ाने के बाद फिर आप एक्ट करते हैं उल्टा सीधा उसको प्राप्त करने के लिए और आप फंस जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर साइकिल लेने की क्षमता नहीं है आपकी तो आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो प्रकृति के अगेंस्ट में होगा और उसका नुकसान होगा और मृत्यु फिर आप पे विजय पा जाएगी, क्योंकि कोई भी काम आपने गलत किया उसका रिजल्ट भी गलत आना है। पचमंग थिनमिद्धते, थिनमिद्ध बोलते हैं जो अरुण होता है, जो बिल्कुल जड़ होता है, आलस यानी कि जो पांचवा है वो आलस है। आलस मार का सबसे बड़ा एजेंट है। यानी कि आप पड़े हुए हैं शरीर में, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कहीं आने रहे हैं जाने रहे हैं, तो शरीर धीरे धीरे ख़त्म होगा। आलस से शरीर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो हमेशा कहेगा, यानी मार हमेशा कहेगी बाद में कर लेंगे, कोई और कर लेगा, इसको छोड़ो, अभी हमें नहीं करना है, फिर देखेंगे, अच्छा मैं चला जाऊँगा, स्कूटर कहाँ है, साइकिल कहाँ है, मोटरसाइकिल कहाँ है, पैदल जाऊँ, कैसे जाऊँ, यानी उसको 100 बहाने आपको देगा मार आलस बनाने के, ताकि आप आलस में रहें और मार उस पर विजय प्राप्त करें और आपके शरीर को बीमार कर दे और आपका शरीर बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये उसका पांचवा सेना का सिपाही का अंग है। छठा भीरु पवुच्यति, छठा है भीरु पवुच्यति। भीरु माने होता है भय। जो मार है मृत्यु को प्राप्त करने के लिए आपको भय डालेगा, आपको भय में रत करेगा, आपको डराएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको डराएगा कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पढ़ा जाएगा नहीं, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इतनी मोटी किताब है, ये तो समझ में नहीं आ रही है, इसका तो अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। या वो डराएगा कि कहीं मैं इस काम को करूँगा तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या आपको डराएगा कि वो कहीं मैं जाऊँगा मेरी जान को खतरा तो नहीं है, या आपको डराएगा, फ्यूचर में ले जाएगा, फ्यूचर में बहुत सारी बातें आपके सामने पेश कर देगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको ये नुकसान होगा या आपको फ़ायदा होगा। मार आपको हर तरह से डराएगा और वो भय पैदा करेगा। भय पैदा करने से क्या होता है कि आपकी डेथ की जो फाइल है, जो आपकी मच्छू की या मृत्यु की फाइल है, वो तेज़ी से खुल जाती है। जो लोग भय में ट्रैप हो जाते हैं, ये एक साइकिल है, भय मृत्यु को बढ़ाता है, मृत्यु भय को बढ़ाती है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इससे डिप्रेशन आता है बहुत भयंकर। जो डिप्रेशन के जितने भी लोग हैं वो पहले भय में आते हैं और भय आने के बाद भय निकल नहीं पाता, वो अपना साइकिल बढ़ा देता है और बाद में वो उसको जान से मार देता है। भारत में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं
जो मच्छु यानी मृत्यु के संस्कार में भय के अधीन आए हुए हैं और भय से इतने ज़्यादा भयभीत हैं कि वो अपनी मृत्यु या अवसाद और डिप्रेशन के निकट हैं। विपसना साधना भय को और डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कर देता है, ये बुद्ध ने बताया है और मैंने भी खुद चेक करके इसको देखा है। सप्तमी विचिकित्सा तय, यानी जो सातवां उनका सेना का अंग है वो है विचिकित्सा। विचिकित्सा को बोलते हैं, वैसे तो विचिकित्सा भी बोलते हैं इसको, विचिकित्सा इसका पाली का नाम है। विचिकित्सा का मतलब है संदेह करना, यानी कि आप अपनी मेहनत पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी विद्या पे, या जो बुद्ध ने बताया हुआ रास्ता है, जो जीवन के लिए रास्ता है, अगर आप उस पर शंका करते हैं तो वो बार बार शंका में डालेगा। वो कहेगा अरे नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। वो बार बार आपको, यानी मार जितनी भी है, बुराई शरीर की जितनी भी है, वो कहेंगे अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। विपसना साधना से क्या होगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे करके वो आपके मन में संदेह डालेगा, ऐसे करके वो आपके मन में डाउट डालेगा, और डाउट डालने का बाकायदा पूरा पूरा प्रोसेस भी देगा। यानी आपका माइंड, आपके मन, आपका खुद ये कहेगा कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये तो बेकार चीज़ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसको विचिकित्सा बोलते हैं। और अगर एक बार वो संदेह उसने डाल दिया और उस पर वो काबिज हो गया और आपके मन में ये बात उसने रख दी कि ये बेकार है, संदेहास्पद है, फिर आप उस रास्ते तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप संशय में आ गए और वो रास्ता बंद हो जाएगा और मृत्यु फिर आपको कब्जे में ले लेगी। ठीक ऐसे ही जैसे आप जंगल में जा रहे हैं सीधे रास्ते, और कोई आदमी ये कहे इधर मत जाना, इधर तो बड़ा गहरा अंधेरा है, गड्ढा है, शेर भी है, सांप भी है, अजगर भी है, और आप उसके कहने पर उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर चले जाएँ जहाँ वास्तव में गड्ढा है, सांप है, अजगर है और शेर है। ये ठीक ऐसे ही मन आपको बार 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 विचिकित्सा में डालता है। जो लोग विपसना साधना करते हैं वो विचिकित्सा को अच्छी तरह से जानते हैं। मक्खो थम्मो ते अठमो, मक्खो थम्मो ते अठमो। मक्खो थम्मो का मतलब होता है कि दूसरे को डाउन करना, गर्व और अभिमान और घमंड के रूप में रहना। यानी कि आपको गर्व है, घमंड है या अभिमान है अपनी ताकत के ऊपर या अपने ऊपर या अपने विचार के ऊपर या जो आप कर रहे हो उसके ऊपर, ये एक मार का पॉजिटिव साइन है जो आपको देता है, अंत में उसको निगेटिव पहुंचा देता है। यानी गर्व करना, घमंड करना अच्छा हो सकता है, मगर ज़्यादा घमंड और घमंड जब करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट में हम अक्सर मात खा जाते हैं और मृत्यु के हाथ में हो जाते हैं। जैसे कोई स्कूटर चलाने वाला या साइकिल चलाने वाला या बाइक चलाने वाला कोई बच्चा है जो 17-18 साल का है, नौजवान, और वो बाइक चला रहा है, और बाइक चला चलाते उसको ये घमंड और गर्व हो जाए कि मैं तो बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, एक टांग पर चलाता हूँ, एक हाथ छोड़ कर चलाता हूँ, टेढ़ी भी चलाता हूँ, आड़ी भी चलाता हूँ, उल्टी भी चलाता हूँ, सीधी भी चलाता हूँ, और वो इस तरह से गाड़ी चलाए, और गाड़ी चलाते 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 कहीं एक गड्ढा आया या कंकड़ आया और वो गाड़ी पलटी और वो मर गया। आपको जो घमंड है, जो आपको गर्व है, उस गर्व ने आपकी जान ले ली। कहने को तो पॉजिटिव हो सकता है, मगर अनंत वो निगेटिव साबित होता है और वो आपको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है, और इस प्रकार वो कामयाब हो जाता है आपको मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने में, आपको मारने में। इसलिए ये उसकी सेना आठवीं है जिसमें वो इस तरह से मारता है। बहुत सारे लोग हैं जो घमंड से और गर्व से ख़त्म हो जाते हैं, कोई ढंग का काम ही नहीं करते, उनको गर्व और घमंड बहुत ज़्यादा इस बात का रहता है। लाभो सिलोको सक्कारो, लाभो सिलोको सक्कारो, यानी कि जो प्रसिद्धि है, जो लाभ है और जो सत्कार है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि जब आपको लाभ और सत्कार या आपको प्रसिद्धि मिलती है तो आप इसको कैसे लेते हैं। मगर अगर ये डिजीज बन जाए, ये बीमारी बन जाए, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे ये एक बीमारी हो जाए कि मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करें, बहुत सारे लोग इसको लाइक करें, बहुत सारी जगह मेरा मान सत्कार हो, प्रसिद्धि हो, और ये मुझे नीड बन जाए और बार बार मुझे चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अनंत ये मुझे मार देगी। क्यों मार देगी? क्योंकि ये मेरी भूख बढ़ती जाएगी, और जब ये बढ़ती जाएगी और मुझे उतना नहीं मिलेगा तो मुझे दुख होगा। वो लाभ और वो सत्कार और वो जो प्रसिद्धि है वो मुझे कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उससे मेरा जो मन है वो मर जाएगा, मैं मायूस हो जाऊंगा, और मायूस होने के बाद मैं अनंत में मृत्यु के हाथ में चला जाऊंगा, मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये उसका नौवां हथियार है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवियों को वो इस तरह से मारती है मार, कि उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा सत्कार, बहुत ज़्यादा लाभ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सभाओं में अगर बीच की कुर्सी नहीं मिलेगी या मुख्य अतिथि नहीं बनाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे माइक के मरीज हैं जिनको माइक नहीं देंगे तो वो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब तक आप उनको
पूछेंगे नहीं या उनको तवज्जो नहीं देंगे या स्पेशल उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपके यहाँ आएंगे नहीं या जाएंगे नहीं या बहाने बनाएंगे या चिड़चिड़ापन करेंगे या आपका फंक्शन ख़राब करेंगे या आपका घर ख़राब करेंगे या आपकी बात ख़राब करेंगे या आपकी बेइज्जती करेंगे। तो ये लाभ का सत्कार का प्रसिद्धि का जो चस्का है, जो बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये जिनको लग जाती है उनसे आप पूछिए कि उनका क्या हाल है। एक बार मैंने जो प्रमुख अभिनेता जो धर्मेंद्र हैं उनका एक स्टेटमेंट सुना था। वो कहते हैं कि ये जो शोहरत है यानी प्रसिद्धि है, ये जो शोहरत है समुद्र का कोई साहिल नहीं होता। यानी कि जो शोहरत है वो एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि शोहरत में आदमी एक दिन डूब के उसमें मर जाता है, क्योंकि जब कोई किनारा ही नहीं है तो जाएगा कहाँ, इसलिए वो जीवित नहीं रहता। शोहरत समुद्र का कोई साहिल नहीं होता यानी कोई किनारा नहीं होता, वो उसी में मर जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और लाभ और सत्कार में आदमी को मार देती है। दसवां है, मिच्छा लद्धो चे यो यसो यो चत्तानंग समुक्चे। यानी बुरे मार्गों से जो यश प्राप्त होता है, इसमें ये भी खास बात है कि जो बुरे कामों से यश प्राप्त होता है वो भी आपको मार देता है। यानी कि कोई अगर बुरा काम करता है और उससे कोई प्रसिद्धि मिलती है तो अनंत वो मारा जाता है, क्योंकि बुरे काम की प्रसिद्धि सिर्फ टेम्परेरी होती है और अंत में वो उसे मृत्यु को प्राप्त होती है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई आदमी अमेरिका के अंदर कोई बंदूक लेके बहुत सारे बच्चों को स्कूल में मार देता है, अनंत उसकी प्रसिद्धि तो हो जाती है मगर फिर उसके बाद उसे कोई नहीं पूछता और वो जेल में भी सड़ के मर जाता है, सब उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये इसके साथ आता है। यो चत्तानंग समुक्तंचे, समुक के माने होता है आत्म प्रशंसा, यानी कि जिसको आत्म प्रशंसा की आदत पड़ जाए, मार उसको जल्दी ख़त्म कर देता है। या पर निंदा या आत्म प्रशंसा, दोनों में से जो बीमारी लग जाए या दोनों जिसको लग जाए, किसी की बुराई करना या अपनी प्रशंसा करना, बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है जो 24 घंटे एक तो हमने करेक्टर ऐसा देखा एक सभा के अंदर, वो बड़ा जाना माना रेनाउंड वकील, और माइक पे अगर वो आधा घंटा बोलेगा तो मैं के अलावा कुछ नहीं बोलता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ वो, मैं ये, मैं वो, मैं वो। अच्छा, सुनने वाले भी बहुत कमाल के हैं, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं बोलता कि आप बोल क्या रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि बोलते नहीं हैं, या उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो वो आत्म प्रशंसा में इतना मगरूर हो जाता है, इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि उसे ये नहीं पता चलता कि उसे क्या मैसेज देना है, क्या नहीं देना है। पूरा आधा घंटा अपने लिए और एक घंटा बुलवा लीजिए अपने लिए। तो यह परनिंदा, एक हमने ऐसा देखा स्पीकर जिसको सिर्फ दूसरों की बुराई के अलावा और कोई काम ही नहीं, उसने ये किया, अपना उसने कुछ नहीं बताया कि वो क्या करना चाहता क्या नहीं। तो दोनों ही केसों में जो ये जो परनिंदा या आत्म प्रशंसा है, ये व्यक्ति को मौत के घाट ले जाती है, उसे मार दे देती है। ये मच्छू का यानी कि मृत्यु के सारे सारे एजेंट हैं, डेथ के एजेंट हैं, ये डेथ के पास लेके जाते हैं 10 की 10 चीज़ें। ये मार की सेना है, ये मार के अंग हैं। अगर आप किसी उसमें देखेंगे जो पिक्चर है मार की बुद्ध के साथ में, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से आती है। मार की 3 कन्याएं भी होती हैं, यानी कि जो कहानियों में बताया गया है वो मार की 3 कन्याएं भी हैं। वो कौन सी हैं? तृष्णा, ऐरति और राग। यानी तृष्णा है, ऐरति है और राग। ऐरति भी मैंने आपको बताया है, तृष्णा भी बताया है और राग भी बताया है। ये तीनों मार की पुत्रियों के नाम से जानी जाती हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि मार की 3 पुत्रियों के नाम बताओ, तो मार एक सेना का नाम वैसे ही बनाया गया है जिसको देवपुत्र बोलते हैं, कि देवपुत्र की सेना है और उसकी ये 3 पुत्रियां हैं, ऐरति है, राग है और तृष्णा है। अंत में, क्योंकि मार को आप पूरे जीवन में देखेंगे और खुद मृत्यु के शिकार भी एक ना एक दिन होंगे, जब आपको मृत्यु आएगी तो आप देखना, आप ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां आपके पास आ रही हैं, कौन कौन से कारणों से वो पैदा हुई हैं, मन कितना आपका अशांत है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप पे भारी पड़ी हैं, कौन सी कम पड़ी हैं। मार को भगाने का भी तरीका है, यानी कि मार को मारा जा सकता है। कैसे? अगर आप पंचशील का पालन करते हैं तो मार को कमज़ोर कर देंगे, यानी कि अगर आप पंचशील का पालन करेंगे तो मार आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, बल्कि खुद परेशान हो जाएगी। अगर आप विपसना करेंगे, पंचशील का पालन साथ में करेंगे, तो मार लगभग कमज़ोर होके, बिल्कुल बीमार होके कोने में पड़ी रहेगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आप कहीं अर्हत हो जाते हैं तो फिर तो आपने मार पे जीवन प्राप्त कर लिया, आपने मार को मार दिया, मार फिर आपके अधीन और कंट्रोल में आ गई। आप जब चाहें जब अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं,
जब चाहें जब आप जो चाहें वो करें, फिर आपके अधीन रहता है। बुद्ध ने मार को कंट्रोल कर लिया था और बार बार जो मार है वो बुद्ध के पास आता था और रिक्वेस्ट करता था कि अब आपने बहुत जीवन जी लिया है, अब आप मेरी बात मानो और अब मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। कई बार ऐसा कहा मगर हर बार बुद्ध ने ये मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी मेरा जो भिक्खु संघ है, जो धम्म है, वो मैंने अभी पूरी तरह से फैलाया नहीं है। फिर लास्ट में मार आता है और वो कहता है कि अब आपका भिक्खु संघ भी पूरी तरह से तैयार है, अब आप क्या बोलते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, और उसने निवेदन किया। तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं 3 महीने बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा मार की रिक्वेस्ट पर। ऐसी मार की रिक्वेस्ट बुद्ध जैसे लोग ही कर पाते हैं। आप भी मार को कंट्रोल कर सकते हैं, मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर विपस्ना साधना करें तो। मार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना धम्म और जितना बुद्ध है उतना ही मार भी है। मार को कम करके हांका नहीं जा सकता। पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बराबर की निगेटिव एनर्जी हमेशा रहती है। आप एक्टिवेट किसको करते हैं ये आपके ऊपर है। आप निगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करें, बुरे काम करें और आपको अच्छे फल मिले। धन्यवाद।